बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ स्ट्रीट फूड रेसिपी, जो कि है मुगलई पराठे की। बहुत ही सिंपल इजी रेसिपी है जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। तो रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो इसको थम्स अप दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। तो रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम डो प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम मैदा लिया है और इसको हम छान के डाल देंगे बोल में। आप चाहें तो व्हीट फ्लार का इस्तेमाल भी इसमें कर सकते हैं, दोनों को मिक्स करके भी बना सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मैदे में बनाया जाता है। नमक डालेंगे 1/3 चम्मच। नमक डाल के मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें शामिल कर देंगे तेल, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच। डो को बनाने के लिए हम नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करते जाएंगे और एक स्मूथ सा डो बना लेंगे। तो इस डो में मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड किया है और 150 ml पानी का इस्तेमाल हुआ है इस डो को समेटने में। अब हम इसको थोड़ा सा स्मूथ सा कर लेंगे, थोड़ा सा इस तरह से गून लेंगे हम। और जब हम नीम गर्म पानी से गूंदते हैं तो बहुत सॉफ्ट सा आटा गूंज जाता है। अब इसको मैंने कर दिया है कवर और इसको हम तकरीबन 20 से 25 मिनट का रेस्ट देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में फिलिंग बनाने के लिए मैंने 3 अदद अंडे ले लिए हैं, जिसके अंदर हम डालेंगे नमक और काली मिर्च। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ नमक तकरीबन 1/2 टीस्पून, इसके अलावा इसमें काली मिर्च का इस्तेमाल करूँगी मैं 1/2 टीस्पून ही। आप इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, पिसी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। इसको डाल के बीट कर लेंगे हम, और अंडों को बहुत ज़्यादा आपने ओवर बीट नहीं करना वरना तो ये रनी हो जाएगा। अब अंडों के अंदर हम शामिल कर रहे हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जो कि मैंने डाला है तकरीबन 1/2 टेबल स्पून। 1 अदद मोटी वाली हरी मिर्च शामिल कर देंगे बारीक काट के। इसके अलावा एक छोटा सा टमाटर लिया था जिसके मैंने बीज निकाल लिए थे, छोटे छोटे से चंक्स में मैंने इसको काट लिया है, ये जाएगा। ये है हरी प्याज 1/4 कप। अगर आपके पास हरी प्याज ना हो तो आप नॉर्मल वाली प्याज भी डाल सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और ये सिंपल सा हमारा ऑमलेट बन के तैयार है। इसको साइड में कर देते हैं। यहाँ पर रेस्ट दिए हुए आटे को हो चुके हैं 20 मिनट। अब हमने यहाँ पे इतने छोटे छोटे से पेड़े निकाल लिए हैं और मीडियम साइज़ के आपने पेड़े निकालने हैं। और यहाँ पे मीडियम साइज़ के पेड़े को आपने थोड़े से फ्लार के साथ फ्लैटन करना है। तो यहाँ पे इस पेड़े को आपने जितना हो सकता है पतला बेल लेना है और मैक्सिमम आप इसको बेलिएगा ताकि ये पराठा जो है वो बिल्कुल क्रिस्पी बने। तो ये देखिए मीडियम साइज़ का पेड़ा था, इसको मैंने इस तरह से मैक्सिमम बेल लिया है इतना पतला। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे घी। तो आप घी लगा लें या बटर लगा लें आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया है। अब हम इसको इस तरह से स्प्रेड कर देंगे हाथों की मदद से और इसके ऊपर थोड़ा सा फ्लावर डस्ट कर लेंगे हम। फ्लावर डस्ट करने के बाद मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ चेडर और मोज़रेला चीज़, तो जितनी आपकी मर्ज़ी हो डाल दीजिएगा। अब इसके ऊपर डालेंगे हम ये अंडे का मिक्सचर और इसके बाद फिर दोबारा से हम डालेंगे थोड़ी सी मोज़रेला और चेडर चीज़। तो ये एक स्ट्रीट फूड रेसिपी है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसको कवर कर दिया है चीज़ के साथ और अब हम एक साइड से इस तरीके से उठाएँगे और इसको इस तरह से रख देंगे इसके ऊपर। साइडों को इस तरह से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। अब ये दूसरा वाला हिस्सा इस तरह से उठाएंगे हम और इसके ऊपर इस तरह से रख के थोड़ा सा प्रेस कर देंगे साइडों के एजेस को दबा देंगे। और ये वाले हिस्से को इस तरह से उठा के प्रेस करते हुए मैंने यहाँ रख दिया है और इस साइड को भी हम दबा देंगे ताकि फिलिंग बाहर बिल्कुल भी ना आ सके। अब ये मुगलई पराठा रेडी है फ्राई करने के लिए, तो इसको उठा के डाल देते हैं पैन में। तो मैंने यहाँ पर पैन के अंदर 1 कप गर्म कर लिया है तेल। तेल को गर्म करने के बाद फ्लेम को मैंने मीडियम लो कर दिया है। मीडियम लो फ्लेम पे अब हम इसको फ्राई करेंगे ताकि अंदर तक ये पक सके और बाहर से भी ये बिल्कुल क्रिस्पी सा गोल्डन सा फ्राई हो। तो यहाँ पे इस तरह से बीच बीच में से आप तेल को उछालते हुए ऊपर डालती जाइएगा इस तरीके से, ताकि जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है वह वो भी थोड़ा सा पक सके। अब हम इसको हल्के हाथों से इस तरह से उठाते हुए पलट लेंगे और ये देखें स्लाइटली गोल्डन सा कलर अभी आ गया है। इसको इस तरह से अलट पलट करते जाएंगे और इसको हम चारों तरफ से कर लेंगे फ्राई। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो डाइट कॉन्शियस भी होते हैं, जो कि डीप फ्राइंग चीज़ें नहीं खाते हैं, तो वो सिर्फ थोड़े से ऑयल के साथ भी इसको फ्राई कर सकते हैं जैसे नॉर्मल पराठा होता है। यही शेप देके आप इसको बना सकते हैं, डीप फ्राई ना करें, क्योंकि ये एक रेसिपी जो है वो है स्ट्रीट फूड रेसिपी। तो उसको मैंने बिल्कुल सेम एज़ उसी तरह से बनाया है। अब यहाँ पर तकरीबन 2 मिनट गुजर चुके हैं तो इसको हम पलट लेंगे और ये देखें कलर जो है वो स्लाइटली इसका गोल्डन सा आ चुका है। अब हम इसको मज़ीद थोड़ा सा और टाइम देते हुए अलट पलट
करते हुए फ्राई कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है, आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं और छुट्टी वाले दिन आप इसको बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी मुगलई पराठे की। रेसिपी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और यहाँ पे देखें, मैंने इसको एक दफ़ा और पलट लिया है और अब हम इसको फाइनली निकाल लेंगे। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को और इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये रेसिपी कैसी बनी। और यहाँ पे कौन कौन लोग मुझे कहाँ से वॉच कर रहे होते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, प्लीज़ अपनी प्रेजेंस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया कीजिए। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे हमारा ये जो मुगलई पराठा है वो रेडी हो गया है, बस हम निकाल लेंगे इसको और बाकी के तमाम पराठों को भी इसी तरह से बनाते जाएँगे और फ्राई करके निकाल देंगे। तो यहाँ पे पराठों को मैंने फ्राई करके निकाल लिया है, अब हम इसको काट लेते हैं। तो बाहर से बहुत ही क्रिस्पी, अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। ट्राई कीजिए, बनाइए और इसको एंजॉय ज़रूर कीजिए। इस सर्दी के मौसम में ये बहुत मज़े के लगते हैं, तो इसको सर्व कर सकते हैं आप चटनी के साथ, रायते के साथ। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी मुगलई पराठे की। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो रेसिपी को फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। और मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।